नमस्कार, जोहार आदाब। मैं हूँ आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। हमारे साथ में एक महिला बैठी हुई है। ये एक वैसी महिला है जो अपनी पहचान की मोहताज नहीं है। दुमका में एक महिला होकर के दुमका में बड़े से बड़े जो घटना होती है, महिलाओं पर अत्याचार होती है, बेटियों पर अत्याचार होती है, तो किस तरह से हिम्मत करके 24 घंटा उसके साथ रहना, हर मुसीबत को उसका साथ देना। यदि कोई यहाँ दुमका में यदि कोई करता है तो वह है नीतू झा। मैं बात कर रहा हूँ दुमका की बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष नीतू झा के बारे में। हाल ही में एक पेट्रोल कांड हुआ था जिसमें उस बेटी को सब को कंधा देने का काम भी नीतू झा ने किया था। ये ताकत, ये एनर्जी वो कहाँ से लाती है, आज उसी का सवाल इनसे पूछने आए हैं। मैडम ये बताइए, पहले आपका पहले स्वागत है हमारे जोहार न्यूज चैनल पर। ये बताइए मैडम, जो जिस तरह से आप पेट्रोल कांड में जो पीड़ित परिवार के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के रहे और जो बेटी को जो कंधा दिए सबको, उसके सबको, और अंतिम संस्कार तक भी उसके साथ रहे, कहाँ से आपने ये एनर्जी और ताकत लाई और क्या हुआ था इससे पूरा घटनाक्रम में, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं भी एक बेटी, एक माँ, एक बहन। दर्द तो औरत का दर्द तो पहले औरत को ही, मैं उस बच्ची का सारा दर्द जैसे लगा कि वो मेरी बेटी जैसी, मेरी छोटी बहन जैसी है, और उसका तकलीफ देखकर मेरे अंदर से मेरा आत्मा तक झकझोर दिया। लगा कि मैं ऐसा क्या कर दूँ जो वो बच जाए, और मैं ऐसा क्या करूँ जो उसको न्याय मिले। ये सब जो जेनेटिक मिलती है मेरे माँ बाप से मिली है, मेरे परिवार से मिली है। हम लोग सभी बहन जो हैं बहुत ही बोल्ड हैं और हमेशा सही और सच्चा रास्ता में चलते हैं। अच्छा ये बताइए मैडम, जैसे कि कंधा देने का जो रीति रिवाज है, जो अक्सर मर्द लोग कंधा देते हैं, लेकिन हमने उस देखे हैं जो पेट्रोल कार्ड में जो बेटी जल गई उसको आपने कंधा दिया, ये कहाँ से ये हिम्मत आई? देखिए, वो बच्ची से मेरा लगातार बात हुई थी। वो हमेशा ये बोलती थी कि देखिए, मैं जब भी दुमका आऊँगी मैं सबसे पहले आपसे मिलूँगी। और इत्तेफाक ऐसा रहा कि वो जीवित लौट न सकी, इसलिए हम कंधे से उसके साथ मिले। मैंने उसे गले लगाया, एक कंधे पे थे, मुझे बहुत खुशी लगा, बहुत आत्मा में संतुष्टि मिला कि चलो इस जरिए मैं इससे मिली। पूरा जो घटनाक्रम को देखा जाए शुरू से, एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, और काफ़ी हद तक न्याय दिलाने के मतलब आप प्रयास किए और सफल भी हुए, लेकिन इस पूरे जो प्रक्रम में कुछ राजनीति हुई, कुछ लोग अपना चेहरा चमकाना चाह और कई लोग नीतू झा के जो काम को भूल गए, ऐसा क्यों? क्योंकि हम तो मेरे अंदर तो बस एक समाज सेविका जो है वो हमेशा जी उठाती है, बस मैं एक नैतिकता के लिए, न्याय के लिए युद्ध करी और नाम और फेमस के लिए नहीं किया। अगर ऐसा किसी को लगता है कि चलो इसको धक्का मार के आगे बढ़ जाए या अपना नाम ले ले, अपना नाम कर सकते हैं या आगे जा सकते हैं, तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं है, पर हमको आत्मसंतुष्टि है। जब तक इसको न्याय नहीं मिल जाएगा, जस्टिस नहीं हो जाएगा, तब तक पूरा नीतू झा। अच्छा, नीतू झा ने यह काम किया मतलब समाज के लिए, कोई फेमस होने के लिए, फेम पाने के लिए नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि ऐसा कोई सोचता है तो उसका सोच तो क्या कही है? बिल्कुल गलत। देखिए, हम जब लॉकडाउन था तो हम पत्रकार भाई के लिए मेडिक्लेम बीमा किए थे पूरे दिन का, तो तभी हमको क्या था, हम घर में भी नहीं रहते थे, हम तो पूरे गांव-गांव में जाते घूमते थे, खिचड़ी का खाना जो गरीब का खाना नहीं मिल रहा था, इलाज नहीं मिल रहा था, सारे मीडिया भाई जो काम करते थे बीमारी से ग्रसित हो जाते थे, सरकार उसके लिए कोई योजना नहीं बनाते, उस समय हम पत्रकार भाई के साथ, समाज के लोगों के साथ खड़ा था। अच्छा एक बात बताइए मैडम, इससे अलग कुछ दूसरा सवाल, आप शहर में रहते हैं और ये दुमका नगर पालिका के अंतर्गत आता है, तो पूरे दुमका नगर पालिका में या दुमका शहर में क्या बेटियां सुरक्षित है या उसके सुरक्षा की जो क्या होना चाहिए? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है बेटी। आप जिस तरह घटना देख रहे हैं, दिल दहला देने वाली घटना, कैसे हम बोल सकते हैं कि हमारी बेटी सुरक्षित है, हमारी छोटी बहन सुरक्षित है? इसके लिए आवाज़ उठाना बहुत जरूरी है, जागरूकता फैलाना जरूरी है, और
इसमें ये भी बात है कि आज जो ये नशा का जो यंग जनरेशन टीनेजियर लड़के को जो नशा कराया जा रहा है या नशा उपलब्ध हो जाता है आसानी से, वो नशे में जाकर अपने मानसिक विकृति को पैदा करते हैं और इस उस स्थिति में ये सब घटना। अच्छा मैडम ये बताइए, जैसे कि शहर में हर दिन बेटी के साथ महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ घटना देखने को सुनने को मिलता है, सीसीटीवी एक बहुत बड़ा चीज़ है कि रोक हो सकता है, क्या शहर में सीसीटीवी लगा हुआ पूरे नगर पालिका क्षेत्र में? पूरा तो नहीं लगा है, अगर बोलिए कि अगर कोई अपना निजी भी सीसीटीवी कैमरा लगाए है रोड पे तो ये सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं है अभी तो ऐसा नहीं है जे इस और इस नगर पालिका में जो शहर में जो क्षेत्र में जो है पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, इस पर क्या कहना? समस्या तो है, कभी कभी तो 3 दिन पानी नहीं आती है, कभी कभी 2-4 दिन भी नहीं, अगर सिस्टम खराब हो गया तो फिर अगर आप नगर पालिका में फ़ोन करिए तो उठाने वाला कोई नहीं रहता है, रिसीविंग के लिए कोई नहीं रहता है, फिर सही से जवाब भी नहीं मिलता कि कितना दिन तक ठीक हो जाता है, अगर जो सप्लाई पे निर्भर उसके लिए बहुत कठिन समस्या, इस पर तो नगर पालिका को एकदम से गंभीरता से लेना चाहिए। हल्की यदि बारिश हो जाए कुछ हल्का, उसमें से कुछ ऐसा वार्ड है आपका इस क्षेत्र में जो पूरा डूब जाता है, घर में पानी घुस जाता है? पानी घुस जाता है, सही बात है, तो इस पर क्या करना है? उसका उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए नगर पालिका, किसकी चूक है? तो जिस तरह से आप पूरे शहर में आप देख रहे हैं कि पानी की समस्या है, देख सकते हैं नाली की समस्या है, गंदगी भी बहुत बड़ा चीज़ है, डंपिंग का सही अभी उठाव का जो तरीका है शहर का साफ सफाई का, इस पर भी प्रश्न चीज़ है, इस पर क्या था? समय पे तो उठाव भी नहीं हो रहा, गंदगी हर जगह डंप हो रहा है, बदबू फैल रहा है, बहुत सारी चीज मतलब जो है जानवर सब रोड में अगर मर भी जाते हैं या सड़क एक्सीडेंट में तो उसको भी 24 घंटा तक उठाने वाला नगर पालिका कोई ध्यान देने वाला नहीं है, इस तरह का वायरस फैल रहा है, बहुत गंदगी है सर, भी बहुत गंदगी है, नाली सब जाम पड़ा है, सब देख देखाव करना चाहिए। अच्छा अब क्या नीतू झा की शहर की जो समस्या है उसके लिए आवाज़ उठाए जी, तो कब से शुरुआत कर रहे हैं? शुरुआत तो मेरा शुरू हो चुका है, हम भी चाहते हैं कि हमारा नगर स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, महकते रहे, खुशबू उतार रहे, यही हम चाहते हैं। ये थी हमारे साथ में भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष नीतू झा, जो कह रही थी दुमका शहर स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, यहाँ की बेटियाँ भी सुरक्षित रहे और प्रशासन भी अपने स्तर से प्रयास करे दुमका शहर को स्वच्छ सुंदर और अच्छा बनाने के लिए। आप लोग तब तक बने रहिए जवानों।